नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको काला हकीक के बारे में जानकारी दूंगा। टॉप थ्री जो उपरत्न होते हैं उनमें से काला हकीक भी एक रत्न है। पहले में फिरोजा, दूसरे में सफ़ेद मूंगा, तीसरे में काला हकीक। फिरोजा और सफ़ेद मूंगा के बारे में जानकारी मैं पूर्व के वीडियो में आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर को मैं काला हकीक के बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगा। ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि जो व्यक्ति शनि राहु केतु से प्रभावित हैं उनको काला हकीक अवश्य ही पहन लेना चाहिए। इसके अलावा मकर राशि, कुंभ राशि और तुला राशि के जातकों के लिए तो यह चमत्कारिक परिणाम देता है। इन राशि के जातकों के लिए तो उन्होंने यहाँ तक बोला है कि उन्हें तो अन्य ग्रह स्थिति देखनी ही नहीं चाहिए और सीधा सीधा काला हकीक अवश्य ही पहन लेना चाहिए। उन्होंने व्याख्या में यह भी बताया है कि काला शब्द जो है वह एक भारी शब्द है, एक मजबूत शब्द माना जाता है। और जो व्यक्ति खास तौर पे निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं या जिनके अंदर शारीरिक दुर्बलता होती है, जो अकस्मात डर जाते हैं, यानी कि एक प्रकार का जिन व्यक्तियों के अंदर भय रहता है, उनके लिए तो काला हकीक अवश्य ही चमत्कारिक परिणामदायी रहता है। क्योंकि काला रंग एक डरावना रंग होता है, एक तेज रंग होता है और ऐसे व्यक्तियों को हिम्मत की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए तो यह बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होता है। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार चोट लगती रहती है, जिनके बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं या जिन लोगों को नज़र दोष से संबंधित प्रॉब्लम होती है, यानी कि डर, भय, त्रास, ब्लैक मैजिक से संबंधित जो समस्या होती है, उन लोगों के लिए भी यह चमत्कारिक रत्न माना गया है। इसके अलावा वकील है, जज है, शेयर मार्केट से संबंधित लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित लोग हैं या व्यापारिक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी यह बहुत चमत्कारिक रत्न माना गया है। अकस्मात धन देने वाला रत्न भी यह माना जाता है। बात करते हैं कि किन लोगों को यह धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक भारी रत्न है। तो जिन लोगों का शरीर काफ़ी भारी यानी मोटा होता है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, बात बात पे जिनको गुस्सा आ जाता है, ऐसे लोगों ने तो इसे कतई धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भारी रत्न है, ब्लैक कलर का है, तो वह इन चीज़ों को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि इसे पहना कहाँ पे जाए। तो इसके लिए, क्योंकि यह शनि से प्रभावित रत्न है, शनि का उपरत्न इसे माना गया है, तो इसे आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। इसके अलावा राहु केतु यदि आपकी जन्म कुंडली में बली हैं, आप उनसे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो आप लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में भी इसे पहन सकते हैं। यह तो आप कुंडली देखने के बाद आपके ज्योतिषी के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। तो और भी इसके बहुत ज़्यादा चमत्कारिक लाभ हैं और कुछ नुकसान भी है, किंतु यहाँ पर को इन चीज़ों को बताना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इसे धारण करना चाहता है तो वो हमसे सीधा संवाद यानी कि हमसे फ़ोन के माध्यम से पूछ सकता है, कुंडली दिखा के हम उसको बता सकते हैं। तो यही जानकारी थी, क्योंकि मैं पूर्व में कह चुका था कि फिरोजा सफ़ेद मूंगा का मैं ला गया था, तो मैंने बोला था कि मैं काले हकीक के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी लेके आऊँगा, तो यहाँ पर संक्षिप्त में ही जानकारी देना संभव हो पाता है। तो जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो लोग चैनल पर नए आए हुए होंगे तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन, घंटी नुमा जो बटन होता है उसे दबा सकते हैं। मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी जानकारी के साथ। जानकारी संक्षिप्त ही यहाँ पे रहेगी। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः।